चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचा रखा है। टिड्डियों को भगाने के लिए सायरन और थाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है ताकि टिड्डियों को का खात्मा किया जा सके। और ये तीन तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां ड्रोन के जरिए टिड्डियों की निगरानी की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि टिड्डियां किधर से किधर जा रही हैं। वहीं साथ ही ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों का खात्मा किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये धौलपुर की है। बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल धौलपुर जिले के अब्दुलपुर इलाके में भी पहुंचा, जिसके बाद आसपास के गांवों में ग्रामीणों ने बर्तन और टीन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश की है। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो श्री गंगानगर जिले की है, जहां खेतों में बड़ी संख्या में टिड्डियां उतर गई हैं और फसलों को बर्बाद कर रही हैं। टिड्डियों की वजह से किसान परेशान हैं, किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में टिड्डियों का एक दल धौलपुर जिले के अब्दुलपुर इलाके में पहुंच गया है और बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचने की वजह से किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। टिड्डियों को भगाने के लिए आसपास के गांवों में लोग बर्तन और टीन बजा रहे हैं। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि चूंकि टिड्डियों का दल दिन में चलता है और रात को बैठकर अंडे देने की प्रवृत्ति रहती है, तो इसको देखते हुए 20 ट्रैक्टर माउंटेड डिस्प्ले मशीन लगाई गई, ड्रग्स और केमिकल्स की व्यवस्था की गई है ताकि अगर किसी प्रकार की आपात स्थिति बने तो टिड्डियों के अंडों को समाप्त करने की कार्रवाई। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी टिड्डियों का आतंक देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में टिड्डियां खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर रही हैं। किसान परेशान हैं, वो टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों में टीन पीट रहे हैं ताकि टिड्डियां भाग जाएं। रात को प्रशासन द्वारा और एग्रीकल्चर विभाग और काश्तकारों ने मिलकर उन पे स्प्रे की कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी रात को जो टिड्डियां बाकी रह गई वो किसी अन्य क्षेत्र में चली गई हैं। मौके पे हमने समस्त पटवारी और गिरदावरों को नुकसान हुए काश्तकारों का सर्वे करने और तुरंत उसकी सूचना और सूची तैयार करके पेश करने, तो हमने समस्त पटवारी और गिरदावरों को निर्देश दे दिए गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा जो भी उनको योग्य सहायता दी जाएगी उसके लिए हम तुरंत ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। इस एरिया में बैठा था टिड्डी दल, उसमें से लगभग 50% तक टिड्डी दल पर तो कंट्रोल कर लिया गया था, बाकी जो उड़ा है उसमें से जो टिड्डी है उन्होंने इस एरिया में नुकसान पहुंचाया। कोरोना महामारी से बड़ी महामारी है, सरकार का इस वक्त केवल ध्यान कोरोना पर है। अगर वक्त रहते टिड्डी दल को न संभाला गया, इस पर न काबू पाया गया, तो कोरोना से बड़ी महामारी बन जाएगी। जहां तक कि जयपुर की विधानसभा को तो इसने घेर ही लिया है, अब क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कब दिल्ली संसद पर पहुंचे और संसद को घेरे, उसके बाद सरकार चेतेगी। अगर सरकार ने रहते जागते हुए कृषि विभाग को, एयरफोर्स को और इसको कुदरती महामारी का नहीं लाना गया, तो आने वाले समय में ग्रामीण भारत की किसानी की बहुत दुर्दशा होगी। तो राजस्थान में टिड्डी दल का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामस्वरूप, जिस हद तक हम देख सकते हैं कितना भारी नुकसान यहां उठाने को मिल रहा है किसानों को, तो आप ये पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कुल कितने जिले और गांव अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं, और जब आकलन की बात आती है क्योंकि किसान मुआवजा मांग रहे हैं, तो किस तरह से इस नुकसान का आकलन किया जा रहा है? देखिए, 20 से ज्यादा जिले इस टिड्डी से प्रभावित हुए हैं बुरी तरह से, और टिड्डियों का अमूमन देखा जाता है कि पहले एक दल होता था बड़ा जो मूवमेंट करता था, इस बार जो है टिड्डी के कुल 8 दल हैं जो अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि करोड़ों की संख्या में टिड्डी के 8 समूह हैं जो अलग अलग जिलों में हैं और अलग अलग जो है हवा के रुख के हिसाब से वो आगे की ओर जाते रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नुकसान का आकलन तो जब सर्वे हो जाएगा, जब किसानों की प्रत्येक जो गांव में जो किसान हैं उनके गिरदावर की रिपोर्ट जब तैयार की जाएगी तब पूरा पता लगेगा कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 20 से ज्यादा जिलों में किसानों की जो फसलें हैं, अभी हालांकि अभी खरीफ फसल तो अभी है नहीं, लेकिन बाकी जो फसल है उसको नुकसान भारी पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पहली बार देखा गया है कि शहरों में भी टिड्डी दलों का एक तरह से आतंक देखने को मिला। दो दिन पहले हमने देखा कि जयपुर शहर में रात को ठहराव रहा और उसके बाद में जो सुबह
पूरे शहर के ऊपर से जो है करीब 100 से ज्यादा कॉलोनी के ऊपर से जो टिड्डी मंडराती हुई निकली। तो जब टिड्डी का मूवमेंट, जब टिड्डी का जो स्टॉपेज है वो जब खेतों में होता है, जंगल में होता है, तब टिड्डी के जो नियंत्रण करने के लिए जो डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी टीम है, वो केमिकल से मिला हुआ पानी का स्प्रे करके उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर उनके लिए उन पर कंट्रोल करना, उनको रोकना, उनको खत्म करना काफी मुश्किल होता है। रामस्वरूप, अब हम देख रहे हैं कि गांवों से शहरों की ओर टिड्डी दल बढ़ चुकी हैं, आक्रामक तौर पर शहरों में भी फैल रहा है इनका हमला। तो ड्रोन के जरिए, जैसा कि खबर आ रही थी कि सरकार की ठोस रणनीति के बारे में बात की जाए, तो ड्रोन के जरिए यहां छिड़काव किया जा रहा है, ड्रोन से कैसे इसका कैसे रुकेगा ये टिड्डी हमला? देखिए, ड्रोन से निगरानी तो रखी जा रही है लेकिन छिड़काव बहुत कम किया जा रहा है, बहुत कम जगह, क्योंकि ये से देखा जा रहा है कि कहीं पर मकान, जंगल में भी कई जगह खेतों में मकान होते हैं, किसी की ढाणियां होती है, और कई बार देखा जाता है कि टिड्डी दल जो है वो शहरी क्षेत्र में भी घुस जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्टॉपेज कर लेता है। तो ऐसे में ड्रोन पूरी तरह से कारगर नहीं है कि स्प्रे किया जाए, लेकिन स्प्रे के लिए जो टीमें, मैंने जैसे बताया था कि कृषि विभाग की प्रशासन की जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें जो है वो रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जो है लगातार पानी के टैंकर से उसमें कीटनाशक मिला के उन पर पानी छिड़कते हैं, दवाई छिड़कते हैं ताकि वो वहीं पर नष्ट हो जाए। लेकिन तादाद करोड़ों की संख्या में है टीडी की, इसलिए उनको पूरी तरह खत्म कर पाना लगभग असंभव सा है। जी शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में बहुत तेजी से ये टिड्डी दल का आतंक बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की और भी खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी मनुराज सक्सेना। जी मनु, शुक्रिया दीपिका। तो चलिए अखबारों के नजरिए से अब हम अपने दर्शकों को खबरें बताते हैं और किस का अखबार ने किस खबर को प्रमुखता दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक भास्कर की खबर की, और लॉकडाउन के फोर्थ फेज में आज आपको बता दें कि 11वां दिन है, जैसा आप भी जानते हैं। और अगर 24 घंटे की हम बात करते हैं तो 131 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बुरी खबर यह भी है कि अब तक 31 जिले ही सिर्फ संक्रमण से प्रभावित थे, संक्रमण वहां तक फैला था, लेकिन अब 33 के 33 जिले यानी कि राजस्थान के सारे जिलों तक ये संक्रमण पहुंच चुका है। 6 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई, और अगर मौत का आंकड़ा अब तक हम आपको बताएं तो 179 हो चुका है, जिसमें 88 जो मौतें हैं वो सिर्फ जयपुर में हैं। जयपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। जो बूंदी जगह है वहां पर अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं आया था, लेकिन हाल ही में मुंबई से लौटी एक 22 साल की महिला संक्रमित वहां पर मिली है, तो बूंदी तक ये संक्रमण अब पहुंच चुका है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करते हैं, ये खबर काफी महत्वपूर्ण है बंदियों के लिहाज से। दरअसल यहां पर आपने देखा जयपुर के सेंट्रल जेल से भी कई बंदियों के संक्रमण होने की खबर सामने आई थी, हलचल पैदा हो गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी बंदी है जिनके लिए मुमकिन है पेरोल दी जा सके, अंतरिम जमानत दी जा सके, वहां पर इस तरह के आप आदेश दीजिए। इसके साथ ही भीड़ कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप वहां पर रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। इस तरह का कहना है बार एसोसिएशन की तरफ से। इस हाई कोर्ट में एक बकायदा पिटीशन भी दायर की गई है, जिसमें 1 जून को अब इस मामले में सुनवाई होगी, और खुद जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसको इंटरवीनर बनाया गया है। अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, चूंकि यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ 13 अप्रैल के बाद से केवल 148 बंदियों को ही पेरोल मिली है, यह संख्या काफी कम कही जा सकती है, उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या दिशा निर्देश देता है और किस तरह की टिप्पणी निकलकर सामने आती है। अगली खबर का रुख करते हैं, हमने पत्रिका से खबर ली है और यहां पर एक गुस्सा लोगों का फूट रहा है सोशल मीडिया पर, वो किस तरह से जरा देखिए। ये लापता के पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं विधायकों और सांसदों के, और पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसे वक्त में जब आपकी जरूरत है कि आप अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का समझें कि आखिरकार किस तरह की जरूरत है। जिस तरह ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो झालावाड़ से उनका जो क्षेत्र है विधायक क्षेत्र, और वहां पर वो नहीं मिली हैं क्योंकि इस वक्त वो लखनऊ में हैं, लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंसी रही, कुछ निजी कार्यक्रम में वो पहुंची थी। दुष्यंत सिंह जो है बारा से सांसद हैं वो भी अपने इलाके नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद है। दौसा से सांसद हैं जसकौर मीणा, उनके भी लापता के पोस्टर, इन तीनों नेताओं के पोस्टर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। हालांकि जो जसकौर मीणा है उनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव हूं और मैं जरूरतमंदों की मदद भी कर रहा हूं। फिलहाल जाहिर तौर पर क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सोनू सूद के लिए बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर सोनू सूद की तरह हर विधायक सांसद हो तो शायद जनता परेशान ना हो। अगली खबर का रुख करते हैं, ये भी हमने पत्रिका से ली है और ये एक अच्छी खबर राजस्थान के जो लोग हैं उनको
एक महसूस पॉजिटिविटी महसूस कराएगी। ये एक डॉक्टर है और इन्होंने राजस्थान के मॉडल को ह्यूस्टन में फॉलो करवाया है लोगों से, क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका में लॉकडाउन है नहीं, तो खुद इन्होंने अपील की लोगों से कि आप लोग घर में ही क्वारंटीन रहें और काफी हद तक लोगों ने इस बात को माना है। जो ये डॉक्टर हैं वो राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं और जो जितेंद्र सिंह हैं उनकी बेटी हैं। जितेंद्र सिंह 6 बार के विधायक हैं, राजस्थान सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में भी वो विधायक हैं। वो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनके छोटे भाई भी डॉक्टर हैं, उनके फादर भी डॉक्टर थे और इसीलिए वो लगातार लोगों से ये उम्मीद भी करते हैं कि जितना संभव हो, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है अगर इस चेन को रोकना है तो कुल मिलाकर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी राजस्थान मॉडल को अपनाया जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं और जैसा कि आपको पता है गर्मी बेतहाशा इस वक्त पड़ रही है, हालांकि 29 और 30 मई को माना जा रहा है कई जगह पर मौसम विभाग के मुताबिक बारिश हो सकती है, हल्की आंधी भी आ सकती है, लेकिन इस वक्त जो पारा है वो किस तरह का है, चूरू देखिए दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा है गर्मी के मामले में। 49.6 डिग्री टेम्परेचर यानी कि लगभग 50 डिग्री तक ये पहुंच चुका था। जयपुर में भी पारा 45 के करीब पहुंचा था और इस हिसाब से 45 के करीब प्रदेश के कुल मिलाकर 6 ऐसे शहर थे जहां पर ये डिग्री इतना 45 के पार तक ये पारा पहुंचा है। तो ऐसे में जरूरत यही है कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें गर्मी में, लेकिन मजदूर है करें तो क्या करें, पेट का सवाल है। मनरेगा के तहत मजदूर कहने की अच्छी बात है, हमें काम मिल गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दवाई का वहां पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कोई शेड नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए कि 50 डिग्री पारे में मजदूर काम कर रहा है, तो उनका यही कहना है कि कम से कम इधर थोड़ा ध्यान दे दीजिए ताकि हमें गर्मी से राहत मिले। अब देखना होगा महत्वपूर्ण कि इस तरीके की जो खबर आई है उस पर क्या कुछ संज्ञान राज्य सरकार लेती है। आखिरी खबर का रुख करते हैं, पर्यटन को लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और राजस्थान जो है वो पर्यटन नगरी माना जाता है और इसीलिए राजस्थान में किले और महलों को खोलने का प्रस्ताव जो है पुरातत्व विभाग की तरफ से दिया गया है। अब इस पर 30 और 31 मई को सीएम की समीक्षा बैठक में ये फैसला होगा कि क्या वाकई ये वक्त है किले और महलों खोलने का, क्योंकि यहां पर जो पुरातत्व विभाग है उनका यह कहना है कि पर्यटन से जुड़े हुए जो रोजगार थे उन पर काफी असर पड़ा है, इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है, क्योंकि आप लॉकडाउन के बीच कई जगह पर छूट भी दे रहे हैं तो इस ओर भी ध्यान दिया जाए। तो ये तमाम जो खबरें हैं हमें लगता है राजस्थान से जुड़ी अपने दर्शकों को बतानी चाहिए थी। आज इस सेगमेंट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त पर।